जय श्री कृष्णा सभी को। और आज हम आए हैं कुमकुम के यहाँ बैठने आए थे, तो उनके घर पे बैठ के अब भाई हम थोड़ा यहाँ राणा पुंजा का जो मंदिर है यहाँ देखने के लिए आए हैं हम। हेलो जी, जय श्री कृष्णा सभी को। राम सा, मैं कृष्णा बिलवाड़ा, मैं राखी रंगली। और आज हम आए हैं कुमकुम के यहाँ, तो हम वहाँ बैठ के आ गए हैं मच्छिन ना मच्छिन गांव में। मच्छिन और ये हैं कुमकुम के जीजू। नमस्ते। तो आज हम यहाँ घूमने भी आए हैं, वहाँ आए थे वहाँ बैठ के, अब हम आए हैं थोड़ा घूमने, यहाँ की जानकारी ये दिखाएंगे, जीजू दिखाएंगे यहाँ की जानकारी। नमस्ते नमस्ते। आप सबसे पहले हमारे बीच में हमारे राजस्थानी सुपरस्टार सिंगर और डांसर सुप्रसिद्ध राखी रंगीली जी और कृष्णा बिलवाड़ा, आप दोनों का और भैया हमारे रंजीत जी, आप तीनों का हमारे इस मेवाड़ की पुण्य धरा हल्दी घाटी के पास ही ये हमारा राणा पुंजा स्मारक है, यहाँ आपका बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अभी हम फिलहाल अभी राणा पुंजा स्मारक हैं, जो पहले राणा पुंजा मेला ग्राउंड के नाम से विख्यात था, और यहाँ पे राणा पुंजा का 2 दिवसीय मेला लगता है। पहले 1 दिवसीय लगता था और अब 2 दिवसीय मेला लगता है महाराणा प्रताप जयंती पर। और अभी हम यहाँ जहाँ खड़े हैं, यह एक ऐतिहासिक स्थल है राणा पुंजा स्मारक, जिसका नाम अभी राणा पुंजा स्मारक है, जो आप सामने देख सकते हैं। ये मेवाड़ की हमारे ये आदमकद प्रतिमा है राणा पुंजा की, यह राणा पुंजा के जन्म स्थल पानरवा में यह प्रतिमा लगने वाली थी, तो कुछ लोगों के विरोध के कारण यहाँ लगाई गई है। यह हमारे मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप के मेन सहयोगी थे। आज मेवाड़ के प्रतीक चिन्ह में, जो मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है, एक तरफ महाराणा प्रताप है और एक तरफ भीलू राणा राणा पुंजा है। यही भीलू राणा है जो हमारे मेवाड़ में अपने आधा भीलों के हक हैं, जिसको दिखा दे बोले राणा पुंजा की जय। तो आप अभी राणा पुंजा यहाँ खड़े हैं, यही हमारे पास अभी आपको दिखाते हैं, मेरे पास में है जैन मंदिर। देखिए आप कितनी छोटी छोटी यहाँ बढ़िया मूर्ति बना रखी है। यहाँ अमर सिंह जन्म स्थल, ये अमर सिंह जन्म स्थल है, महाराणा प्रताप का जन्म इन्हीं पहाड़ी, महाराणा प्रताप के सुपुत्र का जन्म इन्हीं पहाड़ियों में हुआ है। हम आपको यही से देखो, ठीक रहेगा, लोकेशन अच्छी आएगी। हेलो एंड नमस्ते मित्रों, आप देख रहे हैं प्रकाश आदिवासी म्यूजिक एंड फिल्म। दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो में बहुत अच्छा मजा आने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, धन्यवाद। अभी आप जो देख रहे हैं, ये सारी मूर्तियां खंडित कर दी गई है। यहाँ इतनी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया मूर्तियां थी, कुछ लोगों द्वारा इसको खंडित किया गया है और यहाँ से काफी लोगों द्वारा चुरा के मूर्तियां भी ले जाए गए। काफी यहाँ के गांव के लोग बताते हैं कि काफी चोर यहाँ से मूर्तियां चुरा के ले जा रहे थे, तो उनको रोका गया गाँव वालों के द्वारा। ये काफी खंडर हो चुका है, ये अमर सिंह जन्म स्थल है। महाराणा प्रताप के लड़के है ना? हाँ, महाराणा प्रताप के लड़के अमर सिंह। आज भी वो जो स्वास्तिक बनाया गया वो आज भी बना हुआ है इस पहाड़ी में। थोड़ा आप बाहर जाके मूर्ति दिखा दे, उनको आते हुए उनका निकलते हुए जा रही है।
काफी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके और बहुत सुनने को जानकारी भी मिली, देखने को भी मिली। नजारा बहुत अच्छा है। ये जो पहाड़ी दिख रहे हैं, महाराणा प्रताप ने यहाँ ही जो युद्ध की तैयारी थी, यहाँ रहकर ही युद्ध की तैयारी की थी और अपने लोगों ने यहाँ काफी हेल्प की थी महाराणा प्रताप की। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो पहाड़ी दिखा रही है अरावली पर्वतमाला है, जो राजस्थान का दो भाग करती है। ये वाली? अच्छा। ये पूरा लंबा, ये अरावली पहाड़ी लास्ट यहाँ की जो अमरनाथ, राजस्थान के अमरनाथ कहलाते हैं परशुराम महादेव, ये वहाँ लास्ट तक परशुराम महादेव तक फैली हुई है। वहाँ पे कुंभलगढ़ का किला है। हम हमारे अगले ब्लॉक में कुंभलगढ़ के किले के बारे में आपको जानकारी देंगे और कुंभलगढ़ के किले की सैर करवाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताएं। में वहां महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ दुर्ग में, जो काफी फेमस दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ है। पास ही परशुराम महादेव जी का स्थान है। ये पहाड़ी वहां तक जा रही है, वहां से बनास नदी निकली हुई है, वो इन्हीं पहाड़ियों के यहाँ नीचे से बनास नदी निकल। तो मैं बता रहा था कि यहाँ इन पहाड़ियों में घास की रोटी खाई है महाराणा प्रताप ने। यहाँ बड़े बड़े महल भी बने हुए थे महाराणा प्रताप का, यहाँ काम भी अभी चल रहा है। तो ये जो यहाँ तैयार हो रहा है, ये हमारा जनजाति विभाग है, उसकी तरफ से काम चल रहा है। जनजाति जो मंत्री वर्तमान में अर्जुनलाल बामणिया जी, उनकी तरफ से भी 3.5 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। तो उनके तहत यहाँ जो मेगा पर्यटक बन रहा है, वो आने वाले जमाने में सबसे बड़ा राजस्थान का राणा पुंजा के नाम का तीर्थ स्थल रहेगा। ये हमारे मचिन यहाँ बनेगा। तो ये जो अभी बन रहा है, इसका काम अभी रनिंग चल रहा है। तो इन्हीं पहाड़ियों में जो अमर सिंह का जन्म स्थल, तो ये है जहाँ हम खड़े हैं, ये अमर सिंह जन्म स्थल है। इन पहाड़ी के, इस पहाड़ी के पीछे की तरफ जहाँ जलमा पूजी जाती है, जहाँ बच्चे का जन्म होते हैं तो जलमा पूजते हैं। तो जब आज से 450 साल पहले जलमा पूजन हुआ था, तो वो आज भी वहाँ पे स्वास्तिक बना हुआ है, वो आप देख सकते हैं। हम अगला को भी ब्लॉग बनाएंगे अगली बार, नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको जरूर दिखाएं। इसके अलावा यहाँ काफ़ी सारी बावड़ी बनी हुई है। इस पहाड़ी के टॉप पर राणा पुंजा छापर है, राणा पुंजा का मेला ग्राउंड, मतलब छापर, ये मेला ग्राउंड खड़े हैं हम अभी, और वहाँ छापर बना हुआ है पूरा। तो उस छापर में वहाँ पे युद्ध की तैयारी होती थी, हमारी भील जो सेना थी राणा पुंजा के नेतृत्व में। तो यहाँ युद्ध कैसे लड़ते हैं, तीर धनुष कैसे चलाते हैं, ये सारी जो धनुष वगैरह कैसे चलाते हैं, और जो गोपन होती है हमारे आदिवासियों में, गोपन से जो हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो उसकी तैयारी इन्हीं पहाड़ियों में की। और वो महाराणा प्रताप का, दोस्तों आपने गीत सुना होगा, हरे घास की रोटी जब वो बिलावड़ो लेन भाग जावे, तो वो जो कहानी और कविता बताई जाती है, वो इन्हीं पहाड़ियों में जो वो रोटी, घास की रोटी महाराणा प्रताप के परिवार द्वारा खाई गई थी, और उनके रहने की और सारी व्यवस्था अपने बिल आदिवासी समाज के द्वारा की गई थी। थैंक यू जी, थैंक यू, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। थैंक यू। तो मित्रों, मिलते हैं अगले ब्लॉक में, तब तक के लिए सबको गुड बाय।